हेलो गाइस, दिस इज़ आर्किटेक्ट सैयद असीम लाइव फ्रॉम सिंगापुर और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं कि आप कैसे अपना बजट प्लान करें इन 7 लाख 3 BHK। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, 7 लाख में आप कैसे अपने 3 BHK का इंटीरियर कंप्लीट करें। मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ, दीज प्राइसेस एंड ऑल दिस व्हाट आई एम टेकिंग एज अ कंसिडरेशन इज फॉर हैदराबाद सिटी ओनली। सो जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, व्हेन वी थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट, सो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के ही हमारे पास अप्रोच होते हैं विद अ डिफाइंड बजट ऑफ 7 to 12 lakhs। तो होता क्या है कि हम लेट्स अज्यूम दैट एज अ लोवेस्ट 7 lakh का हम अगर प्रोजेक्ट कोई करते हैं तो उसे हम कैसे प्लान करते हैं। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 7 lakh इज़ अ वेरी गुड बजट। आप ऐसा मत समझिए कि आपका बजट कम है। तो 7 lakh में आपके एसेंशियल वार्डरोब्स, तीनों बेडरूम्स में वार्डरोब, आपके लॉफ्ट, इफ़ यू वांट लॉफ्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इफ़ यू वांट फॉल सीलिंग, आप लिविंग और डाइनिंग में फॉल सीलिंग कर सकते हो। फॉल सीलिंग के अंदर 3 कॉस्ट आपके मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, एक तो होगा फॉल सीलिंग का कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट होगा जिसमें आपके वायरिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आएंगे, तीसरा कॉस्ट जो कि पेंट वर्क ऑन द फॉल सीलिंग। जी हाँ, इसके अलावा 2 से 3 वॉल पे आप वॉल पेपर प्लान कर सकते हो। अगर आप मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट बनाना चाहते हो अपने लिविंग रूम में तो देन इट्स अ गुड बजट। आप 7 lakh में भी अच्छी सारी चीज़ें कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो हायर ऑन अबाउट 12 lakh बजट और 10 lakh बजट टू गेट दैट फील। हम काम करते हैं बारीकी से छोटे छोटे पॉइंट्स पर, जैसे कि हम आपके कॉर्नर्स कैसे अच्छे बनाएं, कैसे एक थीम क्रिएट करें विदाउट इन्वेस्टिंग मोर ऑन दैट, अब और किचन में कैसे हम यूटिलाइज करें स्पेस को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसरीज भी दें और पैंट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर भी दें। इसके अलावा कॉस्ट मैं जो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बिल्डर आपको ग्रेनाइट काउंटरटॉप देता है तो आप प्लीज़ उसे मत डालिए। एटलीस्ट आप ग्रेनाइट ले लें और रख दें, बट काउंटरटॉप आप ना बनाएं। होता ऐसा है कि वी हैव टू रिमूव दैट काउंटरटॉप, क्योंकि मॉड्यूलर फर्नीचर जो होता है उसके अंदर हम mm एक्यूरेसी में काम करते हैं। सो mm एक्यूरेसी आपको नहीं आएगी, आपके जो जॉइंट्स रहेंगे वो प्रॉपर विजिबल रहेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब कोई मेसन वहाँ पे काम कर रहा है दे गिव द स्लोप टू द ग्रेनाइट, बट इन मॉड्यूलर किचन देर इज़ नो स्लोप। द स्लोप इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट विल क्रिएट दैट विद द हेल्प ऑफ द लेग्स और हम उसके मदद से वहाँ पर स्लोप क्रिएट करते हैं। सो 1 पॉइंट सोल्यूशन आपका रहेगा आपका डिज़ाइनर में, आपको सिर्फ हमें देनी होगी की और हम आपको देंगे की विद ऑल द इंटीरियर्स डन, कम विद योर बिलोंगिंग्स एंड लिव। और एक जो मैं आपको टिप दूंगा कि आप कैसे 7 लाख में प्लान करें, सबसे पहली चीज़ मॉड्यूलर ऑल एसेंशियल फर्नीचर जिसमें आ गई है वार्डरोब, किचन, टीवी यूनिट एंड क्रॉकरी यूनिट विद मिनिमलिस्टिक क्रॉकरी यूनिट मैं यहाँ पे कहूँगा, फॉल सीलिंग इन लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम, कंप्लीट फॉल सीलिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। अब आपको अगर कुछ इंक्रीज करना है, जैसे अगर आपको बेड चाहिए तो लेट्स एज्यूम दैट 40 to 50,000 फॉर अ बेड जो हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कारपेंटर विद अ थीम्ड लैमिनेट। इसके बाद अगर आपको कुछ और एडिशनल करना है जैसे कि फॉल सीलिंग इन ऑल द बेडरूम्स, थोड़ा आप मान लीजिए तीनों बेडरूम में अगर फॉल सीलिंग करते हो बहुत हो गया आपका कॉस्ट, बट 75 to 95,000 जिसमें कलर एंड वायरिंग इज वुड बी इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको हाई एंड किचन करना है जैसे कि PVC लैमिनेट एंड ऑल, तो फिर आपको उसका बजट थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। तो अगर आप 10 लाख तक शूट कर लोगे डेफिनेटली यू विल गेट प्रीमियम फिनिश एवरीथिंग, हाई ग्लॉस फिनिश वार्डरोब्स, एवरीथिंग वुड बी इन प्रीमियम फिनिश। इसके अलावा और एक चीज़ जो है जो आपको जानना चाहिए कि बेड्स अगर आप लेते हो तो आपको डेफिनेटली मैट्रेस लगेंगे, तो उसके लिए आप बजट प्लान कर लें। आप घर नया ले रहे हो तो आप डेफिनेटली आप ACs भी लोगे तो उसके लिए प्लान कर लें। फैंस जो आते हैं सीलिंग फैन, उसके लिए आप बजट प्लान कर लें। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये हम प्लान करते हैं आपका डिज़ाइनर में इन कंसल्टेंसी पार्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बजट के हिसाब से ही काम करें, यू डोंट वांट, यू हैव योर ओन लेबर फोर्स बट यू वांट अस टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल एंड डिज़ाइंस, देन वी ऑल्सो हैव द पैकेज। यहाँ पर जो आपको लिंक शो हो रहे हैं इस पर क्लिक करें, आपको डिटेल मिलेंगे और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसको आप क्लिक करके जान सकते हैं कि आपका डिज़ाइनर कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और इसे शेयर करना ना भूलें, नॉलेज शेयर करें। दिस इज़ आर्किटेक्ट सैयद असीम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।